जानते हैं कि इंदौर में मूकबधिर बच्चों के लिए एक तुकोगंज थाना में हेल्पलाइन शुरू है और काफ़ी बेहतर ढंग से काम कर रही है। मुख्य तौर पर इसमें न सिर्फ इंदौर की बल्कि इसका जो एक्सपर्ट है और कई बार इसमें पूरे प्रदेश से और कई बार दूसरे राज्यों से भी शिकायतें आती हैं, सुनी जाती हैं और बहुत सारे ऐसे FIR हैं जो साइन लैंग्वेज के आधार पर हुए हैं। हमारे एक्सपर्ट वहाँ बैठते हैं, लेकिन इस सुविधा को तकनीक से जोड़ते हुए आज और विस्तार किया जा रहा है। यह एक अभिनव प्रयास है। मुख्य तौर पर आज इंदौर में एक ऐसी हेल्पलाइन शुरू की जा रही है जिसमें हमारे जो मुख्य तौर पे बोलने और श्रवण बाधित जो हमारे बच्चे हैं जिनके सामने यह चुनौती है, वो अपनी समस्या को कह सकते हैं और न सिर्फ कह सकते हैं बल्कि सीधे वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी सूचना को थाने तक पहुंचा सकते हैं, उस हेल्पलाइन तक पहुंचा सकते हैं। पहले भी पहुंचाते थे लेकिन उसमें एक व्यवहारिक समस्या थी, उसके पास या तो कोई इंटरप्रेटर होना जरूरी था जो उसकी बात को फोन के माध्यम से हेल्पलाइन तक बता सके, या फिर उस व्यक्ति को उसके साथ आना पड़ता था जो अपनी सांकेतिक भाषा में वहां पर बैठे एक्सपर्ट को बता सके। लेकिन अब वो समस्या खत्म हो गई है, तकनीक ने उस खाई को पाट दिया है। अब इस वीडियो कॉल के माध्यम से जो हेल्पलाइन नंबर है वीडियो कॉल का है और इस वीडियो कॉल के माध्यम से जो भी पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित बच्चे हैं, अपनी बात को साइन लैंग्वेज में बता सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर को जो व्यक्ति ऑपरेट करेगा उसे भी साइन लैंग्वेज आती है और उसको पीड़ा को समझते हुए वो तत्काल उस पर कार्रवाई कराएगा, सुनिश्चित करेगा, उसमें संबंधित थाने को निर्देशित किया जाएगा, संबंधित हेल्पलाइन को बताया जाएगा, डायल 100 को बताया जाएगा या जो भी हमारी एजेंसी वहाँ आसपास मौजूद है उसे वहाँ तक सूचना संप्रेषित की जाएगी।